गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे मैं डेली क्लास लेता हूं, और डेली सेशन रहता है सुबह के 7 बजे जो ग्रामर सेशन होती है, और रात को 7 बजे आपको वोकेबुलरी सेशन होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग वोकेबुलरी करेंगे, और वोकेबुलरी जो है बहुत सिंपल ट्रिक के साथ जो देसी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो होते हैं वोकेबुलरी होते हैं, मतलब जो वर्ड होते हैं उस वर्ड को मीनिंग जानना जरूरी होता है। अगर मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो भी है मीनिंग समझने में आपको मीन्स दिक्कत होती है। तो दोस्तों चलिए आज का जो है 10 वर्ड्स क्या है वो समझते हैं। तो आज जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो देखेंगे, रिस्पाइट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मीनिंग है विश्राम करना, सॉरी विश्राम। तो रिस्पाइट मतलब रिस्पाइट जो है, रिस्पाइट जो री यहाँ जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, री का मतलब होता है बार बार, कहने का मतलब पुनः, जो चीज किया वो फिर वही चीज करेगा, तो मतलब पुनः। तो रिस्पाइट जो है, रिस्पाइट वर्ड है, और ये वर्ड जो है नाउन है, और इसका मीनिंग के बात करें तो विश्राम। तो यहाँ से ट्रिक निकलता है रिस्पिट रेस्पाइट रिस्पिट रेस्पाइट रिस्पिट, मतलब री बार बार, स्पिट स्पिट मतलब थूकना। अगर हम पब्लिक के प्लेस में अगर हम बार बार थूकते हैं तो वहां पे बोला जाएगा कि यहाँ बार बार मत थूको। तो यहाँ से ट्रिक निकलता है कि रे स्पिट यहाँ मत करो, क्योंकि यहाँ मतलब क्योंकि लोग जो है रेस्पाइट करते हैं, क्या करते हैं विश्राम करते हैं, कहीं से थक के आते हैं तो यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, इसीलिए इसको ट्रिक से रेस्पाइट को रे स्पिट यहाँ मत करो, क्योंकि लोग रेस्पाइट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, और इसका मीनिंग जो है भयानक, मीनिंग क्या है भयानक है, और डरावना बोल सकते हैं, भयानक डरावना। तो इस तरीके से हॉरेंडस को हॉरर निकल के आता है, यहाँ से वर्ड जो निकलता है, यहाँ जो एक वर्ड निकलता है हॉरर, और हॉरर मतलब होता है भयानक या मीन्स डरावना चीजें, मीन्स भय वाले चीजें। तो यहाँ पे ट्रिक निकला हॉरर मूवी, आप मूवी देखते हैं, अगर आप हॉरर मूवी बहुत ही अगर देखते होंगे तो आप जानते होंगे, तो वो भयानक होता है डरावना होता है, इसका मतलब हॉरर मूवी बहुत ही हॉरेंडस होता है। कैसा होता है हॉरर मूवी, हॉरेंडस होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, अभी तुरंत शेयर करें, और वीडियो को पसंद भी है तो लाइक भी कर दें, और दोस्तों अगर न्यू व्यूअर है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्रेस कर दीजिए बेल जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लॉथ, और लॉथ के बात करेंगे, ये भी एग्जेक्टिव है, अनिच्छुक कार्य, जिसको हम अनिच्छुक बोलते हैं, जो कार्य जो करते हैं अनिच्छुक, किसी भी चीजों को करना अनिच्छुक तरीके से, मतलब उसका इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है, तो ऐसे कार्य जो है अनिच्छुक कार्य होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिक निकलता है लॉथ ऑथ, मतलब ऑथ ऑथ का मतलब होता है कसम, क्या होता है ऑथ का मतलब शपथ लेना, कसम खाना, या उस कसम छोड़ दो, और यहां से ले लेंगे शपथ लेना, मतलब शपथ लेने के बाद कोई भी मंत्री लोग ऐसा ही होते हैं, पहले वोट लेने का रहता है तो एक से एक वचन बोलते हैं, एक से एक शब्द बोलते हैं कि बिजली देंगे, घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, ये देंगे वो देंगे, तो इस तरीके से मतलब ऑथ लिया शपथ लिया, उसके बाद मंत्री लोग लौथ कार्य करने लगते हैं, मतलब लौथ का मतलब अनिच्छुक कार्य करने लगते हैं, करो या ना करो कोई मतलब नहीं, जहां है वैसा ही करते रहो। नेक्स्ट वर्ड है आपका किंडल, और किंडल जो है इग्नाइट बोलेंगे, किंडल इग्नाइट मतलब हर भाई, किंडल किंडल जो है इसका सेम मीनिंग है इग्नाइट, और इग्नाइट जो
प्रज्वलित बोलते हैं, मतलब जलित करना, प्रज्वलित करना या आग लगाना। जैसे हम किंडल, ठीक ना, किंडल है। तो यहाँ जो किंडल वर्ड है, किंडल, किंडल मतलब यहाँ से साउंड निकलता है किंडल, कैंडल, किंडल कैंडल, क्या निकलता है, कैंडल, ठीक ना, किंडल कैंडल, यहाँ पे किंडल कैंडल। तो यहाँ से ट्रिक निकलता है, ट्रिक यहाँ है इसका। तो यहाँ से ट्रिक निकलता है किंडल कैंडल, किंडल कैंडल मतलब कैंडल जो है, कैंडल को जलाकर किंडल करते हैं। क्या करते हैं, कैंडल को जलाकर किंडल करते हैं। अगर किंडल मतलब प्रज्वलित करना, उसमें मतलब जलित जलाते हैं, तो हम लोग जलाकर क्या करते हैं, किंडल करते हैं, मतलब प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है, फाइव वर्ड है, क्या वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एस्पेंड थ्रिफ्ट। एस्पेंड थ्रिफ्ट क्या है, एस्पेंड थ्रिफ्ट, और नाउन है, जो जरूरत से ज्यादा जो खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं, उसको हम अति व्ययी बोलते हैं। ठीक है, अति व्यय मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, इस तरह से मतलब उड़ावा। तो यहां से याद करेंगे, यहां से वर्ड निकलता है एस्पेंड, और एस्पेंड का मतलब खर्च करना। अगर जो स्पेंट बहुत करता है, मतलब जोर से ज्यादा करता है, वो स्पेंट थ्रिफ्ट पर्सन है, स्पेंट थ्रिफ्ट व्यक्ति है। कैसा, स्पेंट थ्रिफ्ट पर्सन है, ठीक है, स्पेंट थ्रिफ्ट पर्सन है। तो इस तरीके से वर्ड याद किए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्ड में। तो आपका छठा जो सिक्स वर्ड है, सिक्स वर्ड है सफल। क्या है सफल, और सफल जो एग्जेक्टिव है और इसका मीनिंग है लचीला या कोमल। इसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ठीक ना, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, जो लचीला होते हैं, जो लचीला है, जो कोमल है, जो घुमाने से घूम जाएगा, मोड़ने से मोड़ जाएगा, तो उसको हम सफल बोलते हैं। तो इसको वर्ड यहाँ से निकलता है सफल चप्पल, सफल चप्पल मतलब सफल चप्पल। चप्पल कैसे होते हैं, तो वो भी लचीले होते हैं। तो लचीले होते हैं, तो यहाँ से याद कीजिए कि ये ट्रिक है, कि ये चप्पल बहुत ही सफल है, ये चप्पल कैसा है, बहुत ही सफल है। तो इस तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इरटम। क्या है इरटम, इरटम नाउन, मिसप्रिंट, जिसको मिसप्रिंट हो गया, जिसको अशुद्धिया बोल सकते हैं। मिसप्रिंट होना मतलब अशुद्धिया, अशुद्ध हो गया। अगर हम टाइपिंग करते समय मिसप्रिंट कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो क्या हो सकता है, वो अशुद्धि हो सकता है, सही नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। तो यहाँ इरोटम, इरोटम जो है अशुद्धि है, और यहाँ इरोटम को क्या करना चाहिए, अगर अशुद्धि है तो उसको इरेज करना चाहिए। तो यहाँ से वर्ड निकलेगा इरोटम से इरेज, इरोटम इरेज, इरेज इरेटा, इरेज इरेटा, इरेज इरेटा। तो इरेज जो अशुद्धि जो है, जो गलत है, वो इरेज करो इसे, इरेटम है इसमें, मतलब इसमें गलती है, इसमें अशुद्धि है, सही नहीं है, तो इसको इरेज करो इसे, इरेटम है इसमें। चलिए एट वर्ड है, एट जो है सरपेंटाइन। क्या है सरपेंटाइन, एट वर्ड सरपेंटाइन, और सरपेंटाइन है तो सरपेंटाइन, और मीनिंग है चक्कर, चक्करदार या टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, चक्करदार है। तो सरपेंटाइन यहाँ से निकलता है, सरपेंटाइन से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो निकलता है सांप, क्या निकलता है सर्प, सर्प मतलब सर्प जो है सांप होता है, सर्प सांप, तो स्नेक होता है। तो यहाँ से सर से सर्पन, सरपेंटाइन मतलब सांप कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और चक्करदार चलता है, मोड़ते हुए घूमते हुए। तो ये सांप जो है मतलब सांप जो है सरपेंटाइन चलता है, कैसा चलता है सांप, सरपेंटाइन चलता है मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पॉट। क्या है डिस्पॉट, डिस्पॉट, डिस्पॉट मतलब वर्ब है, और इसका मतलब आनंद मनाना या आनंद लेना, इंजॉयमेंट बोल सकते हैं, इंजॉयमेंट। तो ये नाउन फॉर्म में है, ये वर्ब फॉर्म में है, तो इंजॉय बोलते हैं, मजा लेना, आनंद लेना। तो यहाँ से याद करेंगे दिस स्पॉट, दिस स्पॉट, दिस स्पॉट मतलब स्पॉट का मतलब खेल, गेम। तो
इस स्पोर्ट मतलब दिस स्पोर्ट, ये मतलब यह खेल जो है, यह खेल हमें दिस स्पोर्ट मतलब दिस स्पोर्ट देता है, क्या देता है, दिस स्पोर्ट देता है, एंजॉयमेंट देता है। जो खेलते हैं, जो भी आप खेल खेलते हैं, जब आपको अच्छा लगता है तभी आप वो स्पोर्ट खेलते हैं, इसलिए आपको दिस स्पोर्ट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, एंजॉय नहीं मिलता। अगर एंजॉय नहीं मिलता तो आप छोड़ देते। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजोल्यूट। क्या है रिजोल्यूट? रिजोल्यूट क्या है? रिजोल्यूट, रिजोल्यूट और रिजोल्यूट को एग्जेक्टिव है, और इसका मतलब है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मतलब जो दृढ़ संकल्प ले लेता है, जो डटे रहता है, हटे रहता है, हटेगा नहीं, वो डटे रहेगा, तो उसको रिजोल्यूट बोलेंगे। रिजोल्यूट और रिजोल्यूट से निकलता है रिजोल्यूट मतलब रेज रोजो, रेजोल्यूट रोज, रेजोल्यूट रोज, रेजो रोज रोजो, रेजोल्यूट रोजो मतलब रेजोल्यूट लूट, यहाँ से रे से रेज और लू से लूट, रेजोल्यूट रूट लूट। तो रोज जो लूट पाट करने के लिए रेजोल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजोल्यूट होना चाहिए, रेजोल्यूट होना चाहिए मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी आप रोज लूट पाट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं लूट पाट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 10 वर्ड्स बहुत देसी ट्रिक के साथ में आपको याद हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद आता है तो वहां पे एक लाइक है, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि जो भी है तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये इंग्लिश जो है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, फ्रेंड हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आपका संभव है वहां तक फैला दीजिए। और अगर आप न्यू व्यूअर है दोस्तों, तो आप न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल घंटी जो बेल है वो घंटी है वो प्रेस भी कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।